गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रवि कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे भारतीय जनता के चैनल में। मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा आज कुछ खाना खबरों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सदर थाना अंतर्गत लहंडापुर गांव में एक व्यक्ति आग लगाकर खुद की जान लेने की कोशिश करने के दौरान उन्हें स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में उद्धार करके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। लेकरा थाना एरिया में सुभाषिस बेहरा नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी और सासू पर हमला करने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत इंदिरापुर गांव में ग्रामीण संबल केंद्र का उद्घाटन किया गया। बिलपहाड़ थाना अंतर्गत खड़ियापड़ा में विनोद खड़िया नामक एक व्यक्ति अवैध रूप से देसी शराब बेचने की सूचना पाकर पुलिस छापेमारी कर उसे गिरफ्तार करने के साथ उसके पास से भारी मात्रा में शराब जब्त की। सदर थाना अंतर्गत देकातली गांव में रहने वाली पुष्परानी मैती नामक एक महिला के गले से बदमाशों ने सोने की चेन छीन लेने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। लखनपुर थाना अंतर्गत खेरखुनी गांव में आयुष अग्रवाल नामक एक व्यक्ति का निर्माणाधीन घर से समर समूल पंप और विभिन्न सामान चोरी हो जाने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। बिलपहाड़ गुमाडेरा मंगला मंदिर के सामने में एक ट्रक तेज रफ्तार से आकर एक कार को टक्कर मारने के कारण कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। आने वाले जून 11 से 13 तारीख तक भुवनेश्वर स्थित कीट में नेशनल पिंच एक्सीलेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर सरबहाल में एक कर्मशाला का आयोजन किया गया। आपके ही शहर के मेन रूट से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे, धन्यवाद।